गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th हम आपको सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे थे जिसमें हमने आपको वर्गीकरण की प्रणालियाँ पढ़ाई थी, जिसमें हमने आपको दो जगत वर्गीकरण, तीन जगत वर्गीकरण और चार जगत वर्गीकरण पढ़ाया था, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली। तो हेडिंग आपकी होगी ये पाँच जगत वर्गीकरण। पांच जगत वर्गीकरण क्या है? तो आर एच व्हिटेकर ने 1969 में संपूर्ण जीव जगत को पांच जगतों में विभाजित कर किया है, इसीलिए इसे पांच जगत वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। इसमें कवकों को पादपों से अलग किया गया है। यह पद्धति सर्वमान्य सिद्ध हुई। इस पद्धति के अंतर्गत पांच जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु है। तो इसमें आप सब समझ गए होंगे कि पांच कौन से हैं। सबसे पहला होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो ये हैं पाद, ये है पांच जगत प्रणाली वर्गीकरण। तो इन्हीं वर्गीकरण के आधार पर व्हिटेकर ने निम्न लक्षणों को भी प्रस्तुत किया है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि कोशिका की संरचना क्या है। तो कोशिका की संरचना क्या है? तो हेडिंग डालेंगे कोशिका की संरचना। इसमें लिखेंगे केंद्रक की संरचना कोशिका अंगों की उपस्थिति, केंद्रक की संरचना कोशिका अंगों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति व राइबोसोम की संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। तो ये है कोशिका की संरचना। इसी प्रकार से इसी की दूसरी हेडिंग होगी शरीर की संरचना। लिखेंगे शरीर की संरचना। तो शरीर में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, शरीर में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से समूह? पहला समूह आपका होगा एक कोशिकीय और दूसरा समूह होगा आपका बहुकोशिकीय। तो इसी के आधार पर इसे बांटा गया। तो ये क्या है? शरीर की संरचना। इसी प्रकार से तीसरा नंबर है जीवों के जीवन की दशा। जीवों के जीवन की दशा, तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। यानी कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। वे जीव जो उत्पादकों पर पोषण हेतु निर्भर रहते हैं, वे जीव जो उत्पादकों पर पोषण हेतु निर्भर होते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। जो मृत व सड़े गले पदार्थों को नष्ट करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं उन्हें हम अपघटक कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। जो यानी कि सड़े गले पदार्थों को खा लेते हैं तो वे क्या होते हैं? अपघटक। इसके बाद थर्ड हेडिंग होगी आपकी जाति वृत्तीय संबंध। तो जातीय वृत्ति संबंध क्या है? तो किसी जीव का विकासीय इतिहास उसकी जाति वृत्ति कहलाती है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जाति के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया भी जाता है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों वर्षों पहले एक सरलतम जीव की उत्पत्ति हुई थी और इसी कारण सरलतम जीवों में परिवर्तन हुए तो नई जटिल जातियों का विकास भी हुआ। तो जीवों में विभिन्न जातियाँ उत्पन्न हो गई। तो विभिन्न जातियों का वर्गीकरण करने के लिए हमें इनका वर्गीकरण करना पड़ा, जिससे हमें निम्न जाति का ज्ञान भी हो पाया है। तो यही हमारा जातीय वृत्तीय संबंध कहलाता है। अब हम आपको बताएंगे पांच जगत वर्गीकरण के तुलनात्मक लक्षण। तो तुलनात्मक इसके लक्षण क्या हैं देखेंगे। तो ये है पांच जगत वर्गीकरण के तुलनात्मक लक्षण। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे लक्षण है कोशिका प्रकार है, कोशिका भित्ति है, केंद्रक झिल्ली है, कायिक संरचना है, माइटोकॉन्ड्रिया है और पोषण की विधि है, प्रजनन की विधि है, फिर उदाहरण है कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, तो इनमें कौन कौन सी पाई जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे कोशिका प्रकार। मोनेरा में किस टाइप की होती है? प्रोकैरियोटिक टाइप की। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक टाइप की, कवक में यूकैरियोटिक, पादप में यूकैरियोटिक और जंतु में यूकैरियोटिक। इसी प्रकार कोशिका भित्ति मोनेरा में सेल्युलोज रहित अमीनो अम्ल की
प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में उपस्थित नहीं होती है। कवक में उपस्थित होती है, सेल्यूलोज रहित होती है, इसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है? पादपों में। पादपों में उपस्थित होती है क्योंकि ये सेल्यूलोज सहित होती है। जंतु में अनुपस्थित होती है क्योंकि जंतुओं में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली मोनेरा में अनुपस्थित, प्रोटिस्टा में उपस्थित, कवक में उपस्थित, पादप में उपस्थित और जंतु में भी उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली सभी जानते हैं। कायिक संरचना किसमें होती है? कोशिकीय। मोनेरा में कोशिकीय होती है, कोशिकीय होती है इसमें, कवक में बहुकोशिकीय होती है, पादप में ऊतक अंगों की बनी होती है और जंतु में भी ऊतक अंग बने होते हैं, जो अंगतंत्र बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया मोनेरा में अनुपस्थित होता है, प्रोटिस्टा में उपस्थित होता है, कवक में उपस्थित होता है, पादप में उपस्थित होता है और जंतु में भी उपस्थित होता है। आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। पोषण की विधि किसमें किसमें होती है? तो स्वपोषी पोषण मोनेरा में होता है और प्रोटिस्टा में स्वपोषी होता है, कवक में परपोषी होता है क्योंकि कवक दूसरों पर डिपेंड होता है, पादप स्वपोषी होता है और जंतु परपोषी होता है। प्रजनन की विधि किसमें होती है? तो प्रजनन की विधि मोनेरा में संयुग्मन होती है, प्रोटिस्टा में संयुग्मन सल्यन एवं संयुग्मन भी होती है और कवक में निषेचन क्रिया के द्वारा होता है, पादप में निषेचन क्रिया होती है और जंतुओं में भी निषेचन क्रिया होती है। उदाहरण को किस किस जीव में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उदाहरण के लिए है जैसे मोनेरा में आ जाएंगे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया आदि। इसी प्रकार से प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ, कवक में सभी प्रकार के कवक, राइजोपस, म्यूकर आदि। इसी प्रकार से पादप में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी पादप आदि। इसी प्रकार जंतु में सभी प्रकार के बहुकोशिकीय जंतु, कीट व पृष्ठधारी जंतु आदि। तो ये थे आपके पांच जगत वर्गीकरण के तुलनात्मक लक्षण। तो ये सभी लोग नोट कर लेंगे इसको, ठीक है? तो हम एक बार फिर से आपको दिखा दे रहे हैं, सभी को नोट करना है। ये देखिए, ठीक है, तो ये थे आपके पांच जगत वर्गीकरण। अब हम आपको पढ़ाएंगे छह जगत वर्गीकरण प्रणाली। तो हेडिंग हम डालेंगे, क्या होगा नाम उसका? छह जगत वर्गीकरण प्रणाली, छह जगत वर्गीकरण प्रणाली। इसे हम सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो छह जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो कार्ल बूज, केंडलर तथा विलेश ने सन 1990 में जीवधारियों को छह मुख्य जगतों में विभाजित किया। इस वर्गीकरण के अनुसार विटेकर के प्रथम जगत मोनेरा के दो अतिरिक्त जगतों में इसे विभाजित किया गया। ये छह जगत कौन कौन से हैं हम आपको बता रहे हैं। तो पहला है आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, कवक, पादप व जंतु। तो ये छह प्रकार के आपके कौन से हैं ये हमने आपको बताया। तो वैज्ञानिकों ने कोशिका भित्ति में पेप्टाइडो ग्लाइकेन की अनुपस्थिति तथा कोशिका झिल्ली में शाखित लिपिड की उपस्थिति के कारण आर्की बैक्टीरिया व यू बैक्टीरिया से इसे अलग कर लिया। तो ये था आपका छह जगत वर्गीकरण प्रणाली। तो ये आपके जितने भी वर्गीकरण थे, दो जगत वर्गीकरण, तीन जगत, चार जगत, पांच जगत और छह जगत वर्गीकरण प्रणाली। अब आपको नई हेडिंग डालनी है जिसका नाम है विषाणु। सभी जानते हैं कि विषाणु क्या है, यानी कि एक प्रकार का इसे हम कहते हैं वायरस। अभी भी सभी लोग क्या है, वायरस से ग्रसित है। तो वायरस से कई प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। तो ये है विषाणु। तो सभी स्टूडेंट विषाणु के नाम से परिचित हैं और सबको पता भी है कि विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे गलसुआ है जो किसे लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, रेबीज है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, हर्पीज है जो त्वचा को श्लेष्मा कला को प्रभावित करता है, रोए या टैक्रोमा जो नेत्र को प्रभावित करता है, खसरा है जो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, चेचक है, स्मॉल पॉक्स जिसे हम लोग छोटी माता बड़ी माता भी कहते हैं, जो संपूर्ण शरीर
यानी कि चेहरा तथा हाथ पैरों को प्रभावित करते हैं, यानी शरीर में छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं। पोलियो सभी जानते हैं कि इसमें क्या जाता है, विकलांगता आ जाती है। तो ये तंत्रिका तंत्र की क्षति के कारण हो जाता है, ये भी विषाणुओं के द्वारा होता है। एड्स सभी जानते हैं जो संपूर्ण शरीर को नष्ट कर देता है, तो ये सब विषाणु से होने वाले रोग हैं। और इस समय आप सभी जान रहे हैं कि एक विषाणु का नया रोग आया है जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोना। ये भी वायरस के कारण है, तो कोरोना वायरस। तो ये सब किससे हो रहा है, विषाणु से प्रभावित हो रहा है। अब हम आपको बता रहे हैं विषाणु, तो इसमें लिखेंगे, हेडिंग डालें सभी लोग, विषाणु लिखें। विषाणु एक लैटिन भाषा का शब्द है, विषाणु एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जहर होता है, जिसका अर्थ जहर होता है। यह शब्द सर्वप्रथम लुईस पाश्चर ने दिया था, यह शब्द सर्वप्रथम लुईस पाश्चर ने दिया था। विषाणु सूक्ष्मदर्शी आकोशकीय संक्रमित कण होते हैं। इनमें जीनोम के रूप में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। विषाणु में डीएनए तथा आरएनए में से कोई एक न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। विषाणु प्रत्येक उस स्थान पर पाए जाते हैं जहां जीवन होता है। ये शायद उस समय से अस्तित्व में रहे होंगे जब से जीवन का उद्भव हुआ था, लेकिन निश्चित तौर पर यह कहना संभव नहीं है क्योंकि ये जीवाश्म के रूप में नहीं पाए जाते, यानी कि विषाणु को हम जीवाश्म के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। तो हेडिंग अब डालेंगे, न्यू हेडिंग है, विषाणुओं से संबंधित खोजें। विषाणुओं से संबंधित खोजें, डिस्कवरीज रिलेटेड टू वायरस। तो विषाणुओं से संबंधित खोजें निम्न प्रकार से हैं, जैसे नंबर एक, विषाणु की खोज सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू की पत्तियों में चितैरी रोग के अध्ययन से की थी। इसी प्रकार से नंबर दो, हॉलैंड के एक वैज्ञानिक बीजरिंग 1898 में इवानोवस्की की खोज की पुष्टि इन्होंने की थी। इसी प्रकार से नंबर तीसरा, जीवाणु रहित चितेरी रोग उत्पन्न करने वाले तरल को लुईस पाश्चर तथा बीजरिंग ने जीवित तरल संक्रामक कहा था। नंबर चार, स्टैनले ने 1935 में तंबाकू चितेरी विषाणु का सर्वप्रथम क्रिस्टी कलर किया था, इसीलिए इन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला पॉइंट, 1944 में डार्लिंगटन ने बताया कि विषाणु न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये विषाणुओं से कुछ संबंधित खोजें थी। अब हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे विषाणुओं के सामान्य लक्षण, कि विषाणुओं के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, वे किस प्रकार से दिखते हैं, वे किस प्रकार से पहचाने जा सकते हैं, वे हमारे लिए उपयोगी हैं या अनुपयोगी हैं, या किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक हैं, और इनसे हम किस प्रकार से निदान पा सकते हैं, तो ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, जो एडिंग आपकी होगी विषाणुओं के सामान्य लक्षण।